हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं हम, चाहे वो UP SSC हो, चाहे वो SSC हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो आप सिविल से रिलेटेड दे रहे हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड स्टोन का एक क्वेश्चन हमें या कुछ क्वेश्चन हमें स्टोन के देखने को मिलते हैं। तो पिछला लेक्चर हम बना चुका हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा, जो हमने लेक्चर नंबर 1 बनाया है स्टोन पर, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले मेरा पहला लेक्चर नंबर 1 जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूर देखें, क्योंकि सारा जो लेक्चर मैं आज ये पढ़ाने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2, वो बेस्ड होगा पहले लेक्चर के बाद। आगे देखिए, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मुझे दो दो पार्ट में डिवाइड करनी पड़ रही है। तो आप प्लीज़ सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखें। आगे हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, फिजिकल जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने बताया, एक बार रिमाइंड कराता हूँ, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा कैसा था, 3 टाइप से हमने इसको क्लासिफाई किया था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन अगला जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या था कि भौतिक संरचनाओं के आधार पर किस किस तरह से चट्टानें हो सकती हैं, उन्हें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में बांट देते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा होता दो ही तरीके का है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक तीसरा और लिख रखा है। ये कंपटीशन को देखते हुए, कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही इसको मैंने कवर कर लिया है। तो आप देखिए कैसे, स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब है परतदार चट्टानें, यानी ऐसी चट्टानें जिनको हम परत की फॉर्म में निकाल सकते हैं, परत की फॉर्म में, उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। आप साथ साथ नोट्स बनाते आइए इसके। फिजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक को कैसे कहते हैं, ऐसी रॉक जो हमारी लेयर वाइज निकाली जा सकती है, परत की फॉर्म में निकाली जा सकती है। और अब आपको याद करने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला जो लेक्चर मैंने बनाया था और जितने भी सेडिमेंटरी रॉक के मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे किसके थे, यानी मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ इसके एग्जाम्पल्स में, ऑल सेडिमेंट्री रॉक, यानी जितनी भी आप सेडिमेंट्री रॉक हैं उन्हें आप याद कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगी, हमारा इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, कौन सा था हमारा, लाइमस्टोन। दूसरा क्या था हमारा, लाइमस्टोन। दूसरा था हमारा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। और नेक्स्ट क्या था हमारा, डोलोमाइट, डोलोमाइट। और क्या था, सेल। यानी जितनी भी हमारी ये इस टाइप की रॉक्स हैं, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सेडिमेंटरी रॉक का एग्जांपल है। और सेडिमेंटरी रॉक ही हमारी कैसी होती है, लेयर वाइज निकाली जाने वाली लेयर्स होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक संरचनाओं के आधार पर, और भौतिक संरचनाओं का मतलब ये है कि उनको परत की फॉर्म में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो जो निकाली जा सकती हैं उन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं, उन्हें हम लेयर वाइज हमारी वो होंगी, और सारी हमारी क्या है, सेडिमेंटरी रॉक हमारी क्या होती हैं, सारी ये हमारी लेयर वाइज निकाली जा सकती हैं। यहीं पर मैंने आपको बताया था, मैं हर क्वेश्चन को चेंज करता चलूंगा साथ के साथ मेटामॉर्फिक रॉक में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये पूरा चार्ट बताया था, कैसे बनाया था हमने, कि लाइमस्टोन हो या मार्बल हो या डोलोमाइट हो, अगर वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदलेगा तो हमारा कौन सा बनता है, हमारा देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लाइमस्टोन, डोलोमाइट या मार्बल। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, किस में बदला था, मार्बल। और मेरे साथ ये भी बताया था कि मार्बल एक ऐसी रॉक है जो नॉन फॉलिएटेड है। कैसी है तो मेटामॉर्फिक, बट कैसी है, नॉन फॉलिएटेड। मेटामॉर्फिक मैंने दो तरह की बताई थी, फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। तो हमारी कैसी है, नॉन फॉलिएटेड रॉक होती है। आगे हमारी होती है अगली, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, यानी ऐसी रॉक्स जो हमारे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसको हम लेयर की फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। एग्जाम्पल क्या है हमारी, इग्नियस रॉक जितनी भी हैं उनका जो भी एग्जाम्पल था, इग्नियस रॉक जितनी भी हैं कौन कौन सी थी आपको याद आ रहा होगा, नंबर 1 कौन सा था हमारा, नंबर 1 था ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। नेक्स्ट कौन सा था, गैब्रू। और अगला कौन सा था हमारा, पैगमेटाइट, पैगमेटाइट। और नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट हमारा था साइनाइट, साइनाइट। तो जितनी भी हमारी ये रॉक्स थी, या आप कह लें बेसाल्ट, यानी जितनी भी हमारी रॉक्स होती हैं बेसाल्ट, कॉमा ट्रैप, यानी जितनी भी रॉक हमारी कैसी हैं, इग्नियस रेनेज, इग्नियस रॉक्स थी, उन सबको हम क्या कहते हैं, वो सभी रॉक्स हमारी क्या कहलाती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाती हैं।
तो ये जितनी भी हमारा, अब देखो यहीं पर मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसाल्ट और ट्रैप हम किस लिए यूज करते हैं? बेसाल्ट और ट्रैप यूज करते हैं रेलवे स्टेशन के स्टोन के लिए। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर लगाना हो तो बेसाल्ट आंसर लगाते हैं। ग्रेनाइट किसका यूज, ग्रेनाइट का यूज क्या है? ग्रेनाइट का यूज हम करते हैं, देखिए साथ के साथ मैं अगला जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें बताऊंगा इन सभी चट्टानों को यूज कहां पर करते हैं। लेकिन ग्रेनाइट हमारी मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद बन जाती है नाइस में, और नाइस हमारी कैसी है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली रॉक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा हमारा क्या है कि ग्रेनाइट का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं हम फायर रेजिस्टेंस की रॉक की फॉर्म में। तो ये हमारे इतने टाइप के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला हमारा आता है फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक कौन सी होती है? जिनको हम चट्टानों से परत की फॉर्म में निकाल सकते हैं, पत्ते की फॉर्म में हो सकती है वो, तो उसे हम यानी कि पतली पतली लेयर्स की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कुछ फॉलिएटेड रॉक कहते हैं। फॉलिएटेड रॉक में हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है वो कौन सा है? हमारा सेल, सॉरी हमारा कौन सा है एग्जाम्पल में, है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का ही एग्जाम्पल, लेकिन जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल होता है वो है इसमें फॉलिएटेड रॉक में नाइस। नाइस दूसरा हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा फॉलिएटेड रॉक में? नाइस फाइलाइट, फाइलाइट। तो इस तरह से हमारी जो फॉलिएटेड रॉक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मार्बल और क्वार्ट्जाइट हमारी कैसी है? फॉलिएटेड रॉक नहीं है, वो नॉन फॉलिएटेड है। और हमारा कौन सा है? चिस्ट। देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने बताया चिस्ट, चिस्ट से कैसे बनता है? बेसाल्ट और डॉलराइट से क्या बनता है? हमारा चिस्ट। तो ये हमारी जो रॉक है वो क्या कहे हमारी, ये फॉलिएटेड रॉक में चेंज हो जाती है, और ये हमारी परतदार हमारी चट्टान की फॉर्म में हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था, इससे हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं कंपटीशन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड से नहीं बनता है तो उस केस में क्वेश्चन बनता है केमिकल क्लासिफिकेशन से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो अब पढ़ते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन, तो देखिए जरा आप लिखते जाइए साथ के साथ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसमें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब फॉलिएटेड रॉक को यहाँ से हटा देते हैं और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक को यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं सिलिशियस रॉक के बारे में। देखिए सिलिशियस केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी रॉक जिसमें रसायनों के संयोजन के आधार पर जो रॉक हमारी क्लासिफाई की जाती हैं उन्हें हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रखते हैं। तो तीन टाइप की रॉक्स आप पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट है सिलिशियस रॉक, ऐसी रॉक जिसमें सिलिका की मात्रा हमारी क्या हो, जो सबसे मुख्य हमारा रसायन हो उसमें सिलिका हो, तो उसे हम कहते हैं सिलिशियस रॉक। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है सबसे इंपॉर्टेंट सिलिशियस रॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये चट्टान हमारी वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि सिलिशियस रॉक में क्या इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिलिशियस रॉक कहते हैं। अब सिलिशियस रॉक में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें हमें याद ये रखना होगा कि सिलिका कौन कौन सी चट्टानों में ज़्यादा होता है। देखिए सिलिशियस रॉक आई, यहाँ पर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है कि लगभग लगभग जितनी भी हमारी इग्नियस रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, हमारी इग्नियस रॉक जो होते हैं वो हमारी लगभग क्या होती हैं, सिलिका की मात्रा जिनमें ज़्यादा होती है वो हमारी इस कैटेगरी में आएंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। दूसरा हमारा है बेसाल्ट। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है ट्रैप। तो ये हमारी क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और ये कैसी है, वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल भी है साथ के साथ। तीसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है सैंडस्टोन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये सैंडस्टोन। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट। तो ये हमारी जो चट्टानें हैं, सबसे पहले कौन सी मैंने बताया, दोबारा समझ लेते हैं इस चीज़ को एक बार, कि केमिकल रसायनों के आधार पर हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है स्टोन का, उसमें है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहला हमारा सिलिशियस रॉक, और सिलिशियस रॉक हमारी कौन सी होती है, ऐसी चट्टानें जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, यानी कि उसमें जो प्रीडोमिनेंट केमिकल है वो सिलिका हो। तो उस केस में जब वो चट्टान सिलिका की होगी तो उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप क्या होगी हमारी, कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगी एंड ड्यूरेबल होगी,
तीसरा हमारा उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट हमारी कैसी रॉक है, सिलिशियस रॉक है, बेसाल्ट कैसी है, सिलिशियस रॉक है, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन और ट्रैप ये सारी हमारी कैसी रॉक है, सिलिशियस रॉक की कैटेगरी में आती है। अगला हमारा है आर्गिलेशियस रॉक की हम बात करें यहाँ पर से। देखिए आर्गिलेशियस रॉक का मतलब ये है ऐसी चट्टान जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो, किसमें किसकी ज़्यादा हो, एल्यूमिना की मात्रा में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसी चट्टान जिसमें एल्यूमिना कोमा आप कह सकते हैं किले, किले की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी जिसमें मिट्टी यानी किले की मात्रा ज़्यादा हो, एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं आर्गिलेशियस रॉक कहते हैं। इन रॉक का इम्पोर्टेंट आपको ये है कि ये रॉक जो होंगी हमारी वो कैसी होंगी, वेरी ये हमारी होगी हार्ड एंड ब्रिटल नेचर की, कैसी होंगी हमारी ब्रिटल नेचर, ब्रिटल का मतलब समझते हैं भंगुर नेचर की होंगी ये हमारी रॉक, तो इन्हें कहते हैं आर्गिलेशियस रॉक। अब इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे मिट्टी वाले एग्जांपल हैं जैसे कि सेल स्लेट एंड लैटेराइट, कौन कौन सा सेल स्लेट एंड लैटेराइट, ये हमारी कैसी हैं सारी की सारी कौन सी रॉक हैं, ये हमारे आर्गिलेशियस रॉक है। एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ, ग्रेनाइट हमारा किस में बदला था मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद में नाइस में, नाइस के बारे में हमने क्या पढ़ा था मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, बेसाल्ट रेलवे स्टेशन की फॉर्म में यूज, रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में यूज होता है, ट्रैप भी रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में यूज होता है, पर एक आंसर दे रहा हूँ तो बेस्ट हम आंसर लगाते हैं बेसाल्ट। दूसरा हमारा है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कैसी हमारी क्वार्ट्ज से बनी हुई रॉक है यानी इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो ये हमारी सिलिशियस रॉक है। सैंडस्टोन किस में बदल जाती है मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद, ये हमारी बदल जाती है क्वार्टजाइट में, और क्वार्टजाइट कैसा हमारा है नॉर्फोलेटेड रॉक। आपको पॉइंट्स को रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज करना है, हर पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं रिलेट कीजिए पुराने पॉइंट से तो आपको वो ज्यादा अच्छी तरह से याद हो पाएगा। अगला पढ़ते हैं हम आर्गिलेशियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक का मतलब ये है एल्यूमिना और क्ले ऐसी चट्टान है जिसमें केमिकल के आधार पर बनी हुई है चट्टान है जिसमें कि एल्यूमिना और क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे हम कहते हैं आर्गिलेशियस रॉक। इन रॉक की प्रॉपर्टीज क्या है कि रॉक हार्ड तो होती है साथ के साथ इनमें क्या होता है हमारा ब्रिटल नेचर भी होता है यानी भंगुर नेचर की भी होती है। एग्जांपल की बात करें तो सेल स्लेट एंड लैटेराइट, मैंने आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, इन पॉइंट से हटकर बात करें तो लैटेराइट एक ऐसी रॉक है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। स्लेट क्या है हमारा, मैंने इसके लिए भी एक हर रॉक के बारे में आप एक एक दो दो पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर पढ़ें, उससे क्या होगा क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। स्लेट का यूज़ कहाँ करते हैं, स्लेट का यूज़ करते हैं मेजनरी वर्क में, हम रूफिंग में फ्लोरिंग में हम यूज़ करते हैं स्लेट का, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आगे हमारी है सेल, सेल क्या है हमारे एक सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और ये हमारा इसमें क्या क्या होता है एक्स्ट्रा मात्रा में एल्यूमिना और क्ले हमारा एक्स्ट्रा फॉर्म में होता है तो इसको हमने इस कैटेगरी में रखा हुआ है। इनके बाद अब बात करते हैं हम तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा है कैलकेरियस रॉक्स, यानी इसका मतलब ये है ऐसी चट्टान है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कैसी हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है यानी चूना हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उन्हें हम कहते हैं कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक में हमारे कैटेगरी में कौन सा आता है, लाइमस्टोन सबसे पहला हमारा है लाइमस्टोन, दूसरा हमारा है इसमें मार्बल, तीसरा हमारा है इसमें डोलोमाइट। याद आ रहा होगा पिछला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था, देखिए अब यहाँ से ये तो हमने पढ़ लिया इसका तो हमने सीधे से याद कर लिया ये हमें इंपॉर्टेंट है, पर इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझिए। मैंने क्या बताया था केमिकल से बनी हुई यानी रसायनों के आधार पर बनी हुई ऐसी चट्टान है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उन्हें हम कैलकेरियस रॉक कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये सेडिमेंट्री है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस हमें क्या देखना है उसमें केमिकल कौन सा ज़्यादा मात्रा में है। तो यह सबसे पहला लाइमस्टोन, दूसरा मार्बल, तीसरा डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन हमारा कैसा है जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट की, लाइमस्टोन से ही लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिज्म एक्शन अगर होगा तो क्या बन जाएगा मार्बल, तो अगर इसी से बनी है चट्टान तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें भी ज़्यादा मात्रा में होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पिछली क्लास में बताया था, सब मैंने सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लिखा था, मैंने बताया था डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस ये हमारा एग्जांपल था और मैंने बताया था इसमें सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट की हमारी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है 45% होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है। आगे देखिए लाइमस्टोन तो याद हो ही गया, मार्बल से और एक इंपॉर्टेंट बात क्या रख सकते हैं कि मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक तो है लेकिन
ये रॉक नॉन फॉलिएटेड है, इसको परत में निकालना काफ़ी कठिन है, इसको हम नहीं निकाल पाते हैं। अगला हमारा डोलोमाइट। डोलोमाइट भी हमारे क्या होती है, डोलोमाइट हमारी किस कैटेगरी में आती है, डोलोमाइट हमारे सेडिमेंट्री कैटेगरी में आती है। और डोलोमाइट और लाइमस्टोन मार्ल तीनों मिलकर क्या बनाती है, मार्बल बना देती हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, और आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे के बाद जो हमारे अगले सेशंस होंगे उनमें हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हम बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं हमें, तो उस क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे हम इंक्लूड कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आप लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो सेशन हमारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन से आप कोई भी एग्जाम दें, आप चाहे SSC दें या फिर UP प्रिपरेशन दें, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, बस उसमें बिल्डिंग मटेरियल आता हो और उसमें स्टोन चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है, तो स्टोन चैप्टर से मैं नहीं समझता कि इन पॉइंट्स से अलावा बहुत ज़्यादा आपको कुछ अलग से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आपके लिए एक बहुत ही सफिशियंट नॉलेज होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। आगे देखें, आगे हमारा इसमें अगला जो लेक्चर बनाते हैं, अब अगला लेक्चर हमारा होगा कि जितने भी हमने स्टोन यहाँ पर पढ़े हैं अब, और स्टोन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। आगे हमारे जो आने वाले लेक्चर हैं हम उसमें ये भी बताएंगे कि अच्छी स्टोन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, फिर इन स्टोन के हम टेस्ट कैसे करते हैं, तब जाके हमारा स्टोन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। कैटेगरी में रखा हुआ है। इनके बाद अब बात करते हैं हम, तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा है कैलकेरियस रॉक्स, यानी इसका मतलब ये है ऐसी चट्टान है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कैसी हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी चूना हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उन्हें हम कहते हैं कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक में हमारे कैटेगरी में कौन सा आता है, लाइमस्टोन सबसे पहला हमारा है लाइमस्टोन, दूसरा हमारा है इसमें मार्बल, तीसरा हमारा है इसमें डोलोमाइट। याद आ रहा होगा पिछला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था। देखिए अब यहाँ से ये तो हमने पढ़ लिया, इसका तो हमने सीधे से याद कर लिया, ये हमें इंपॉर्टेंट है, पर इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझिए। मैंने क्या बताया था, केमिकल से बनी हुई यानी रसायनों के आधार पर बनी हुई ऐसी चट्टान है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उन्हें हम कैलकेरियस रॉक कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये सेडिमेंट्री है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस हमें क्या देखना है उसमें केमिकल कौन सा ज़्यादा मात्रा में है। तो यह सबसे पहला लाइमस्टोन, दूसरा मार्बल, तीसरा डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन हमारा कैसा है, जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट की। लाइमस्टोन से ही लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिज्म एक्शन अगर होगा तो क्या बन जाएगा, मार्बल। तो अगर इसी से बनी है चट्टान तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें भी ज़्यादा मात्रा में होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पिछली क्लास में बताया था, सब मैंने सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल लिखा था, मैंने बताया था डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, CaMgCO3